हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे गोधा कैपन इंसुलेशन लिमिटेड शेयर के रिगार्डिंग, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं लास्ट 5 डेज में 10.91% यहाँ पे रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरी कंपनी के रिगार्डिंग, कि क्या इसका पोर्टफोलियो एंड क्या टेक्निकल एनालिसिस है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वन डे के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते 3.39% का पॉजिटिव सिनेरियो है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करना हो तो अभी स्किप करके चले जाओ, वरना पूरी डिटेल हमको मिलेगी नहीं, फिर गलत एंट्री हो जाएगी, क्या फायदा, राइट। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो लेके चलती हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं godhacapcon.com एंड यहाँ पे वेलकम टू गोवा कैपका, एंड ये कंपनी जो है वो हमारी वायर में जो देख सकते हैं रियोन वायर मैन्युफैक्चरिंग इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में जो वायर की मैन्युफैक्चरिंग होती है कंपनी वो करती, तो वायर की मैन्युफैक्चरिंग आप जानते हैं कितनी ज्यादा वायर इंडिया में यूज की जाती है। देख सकते हो वायर का अंदर का जो व्हाइट कलर का नहीं होता, वो यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये स्टील जो उसमें होता है कॉपर में होता है एबी केवल, और ये वाइट वाइट सा होता है, इन सभी में कंपनी डील करती है। बाकी मैं यहाँ पे बाकी के आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। देख सकते हैं AAAC कंडक्टर है, ऑल एल्यूमिनियम एलो कंडक्टर, जो एल्यूमिनियम के चार्जेस होते हैं। इंटरनेशनली भी इसको डिजाइन किया जाता है, एंड स्टील रीइंफोर्स्ड में सारा सारा जितना भी काम होता है ना, ये सारा का सारा एल्यूमिनियम और स्टील का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, राइट। जूम करके मैं आपको बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दी, राइट। एंड बाकी सारी चीज़ें, ये कंपनी का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं कंपनी का। ये देखिए यहाँ पे जिन मशीनों से यहाँ पे मतलब बनाई जाती है सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिस तरीके से कंपनी के अंदर चीज़ें बनाई जाती है वो सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये जो कंपनी है 2016 की है एंड फाउंडेड की गई है, हेडक्वार्टर इंडिया में, नंबर ऑफ इम्प्लॉयज खरीदने ज़्यादा तो नहीं क्योंकि अभी न्यू कंपनी है, राइट। 2016 से 2022 लगभग 4 और 6 साल हो गए कंपनी को, राइट। एंड बात करते हैं मार्केट की कैपिटलाइजेशन की, तो देख सकते हैं इसमें कैपिटलाइजेशन है 65.5 CR है, करंट प्राइस है 2 रुपये इसका, 95 पैसा हाई लो देख सकते हैं, हाई बना हुआ है इसका 29.8, लो है 2.51। तो आप देख सकते हैं ये अपने सपोर्ट के आसपास है, तो कोई भी शेयर ऐसा जो अपने सपोर्ट के आसपास है, तो वहाँ पे कहते हैं ना बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, तो बाय ऑन डिप पे है, तो डिप पे है तो हम उसको बाय कर सकते हैं। एंड और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, स्टील कॉपर एल्यूमिनियम कंपनी डील करती है। फेस वैल्यू इसका 1, ROE 3.31, ROCA 6.61, स्टॉक का PE 92.3, बुक वैल्यू 1.13, एंड ये सारी डिटेल्स है कंपनी के, राइट। एंड अदर डिटेल्स यहाँ पे यहाँ पे वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, बट अभी जो करंट में यहाँ पे वॉल्यूम शो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे इन मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, और प्राइस और NSE है ये, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखा देती हूँ, 50 ये हो गया हमारा 50 DMA, आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 DMA एंड वॉल्यूम वगैरह, राइट। प्रॉस देख सकते हैं, कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट, एंड कंपनी ने पहले से अपना रिड्यूस कम किया, बजाय कि पहले स्टॉक्स है तो थोड़े बहुत कॉन्स तो होंगे ही ऑब्वियसली, वरना है तो ये कंपनी 100 के ऊपर चली जा चुकी होती, राइट। एंड इसके अलावा मैं आपको इसका रिजल्ट प्रॉफिट लॉस है, ये भी हमारा पॉजिटिव में आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न पहले 2%, 1%, 3% है, स्टॉक का प्राइस CAGR है पहले 68 है 10 है, प्रॉफिट में भी काफ़ी इंक्रीजमेंट हुई है, पहले 32% था अब 87%, राइट। एंड सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में इसका रिजर्वेशन थोड़ा सा कम है, बोरोइंग ज़्यादा है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये आप यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप अगर आपने जैसे यहाँ पे लिया होता, जैसे कि 5 डेज में भी अगर आपने लिया होता तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी शो रहा होता 10% के हिसाब से, हालांकि इसका फंडामेंटल इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है फिर भी, क्यों, क्योंकि आप जो हम बीच बीच में कोई कितना भी कम लो शेयर हो लेकिन बीच में बढ़ता ज़रूर है, तो बीच में बढ़ता है तो हमें उसी का बेनिफिट उठाना है यहाँ पे, उठा के यहाँ पे हमें सेल आउट कर देना, राइट। तो बीच में उसके अकॉर्डिंग बट एंट्री यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। एंड इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये देखिए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं यहाँ पे भी, तो खैर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, राइट। और बात करते हैं NSE की, तो
तो एनएससी पे यहाँ पे देख सकते हैं बाय क्वांटिटी लगी हुई है 4337 की, बाय क्वांटिटी है 2.95 के प्राइस पे है। क्लोजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के जो यहाँ पे क्लोजिंग ये देख सकते हैं, लो गए 2.87 आई गए 3.03, ओपनिंग हुआ है 2.95, प्रीवियस क्लोज है 2.95, 3.05 का इसका क्लोजिंग है राइट। एंड वी वैप भी इसी पे है, ट्रेडिंग भी आप देख सकते हैं 14,56,940 एंड ट्रेडेड वैल्यू 42,98। एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है एनएससी पर। एंड लेकिन जल्दी मैं आपको चार्ट्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं वीकनेसेस थोड़ी से ज़्यादा है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है क्योंकि मैंने स्टॉक से तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही राइट। एंड ये भी हमारा डाउन हुआ है, तो अब ये डाउन हुआ है तो इसका आप देखें, ये नहीं कि मैं आपको पॉजिटिव बता रही हूँ, सारी चीज़ें पॉजिटिव ही बताऊंगी, जो कंपनी की नेगेटिविटी है वो तो है ही राइट। बट यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कम हो इसके लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग नहीं कर सकते, बट शॉर्ट टर्म के लिए तो किया ही जा सकता है राइट। शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहे उसके लिए एग्री, बट लॉन्ग टर्म के लिए आई विल नॉट एग्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये वाला जो है हमारा सिनेरियो, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम करके, ये RSI नीचे लगा हुआ है। एंड ये हमारा एक ये देखिए, ये बेसिकली मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, इसका हमें कोई काम नहीं है फिलहाल में। यहाँ पे डे का लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले डाउन 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 और ये अप लगा है, तो ये हमारा मार्केट का जो ये डोजी बनता है मार्केट का न्यूट्रल शो करता है राइट। मैं यहाँ पे वार्ली लगाया, वन डे के अकॉर्डिंग कर देती हूँ राइट। ये देख सकते हैं हम डाउन यहाँ से, मतलब उतना ज़्यादा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। हालांकि मैं ये जरूर कह सकती हूँ, हो सकता है रिट्रेस करके मार्केट ऊपर जा सकते हैं, हो सकता है रिट्रेसमेंट में आ जाए एक या दो कैंडल भी, वैसे भी निफ्टी 50 डाउन है। कल का देखते गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन, आई विश की गैप अप ही ओपनिंग हो, क्योंकि मैंने CE गलती से ले रखा है, तो गैप अप ओपनिंग होगी तो ही कुछ हो सकता है, वरना तो डूब ही जाएगा पैसा। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट मंडे का देखते हैं क्या सीन है उसके अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके एक ऊपर हमें पोर्टफोलियो देखा जा सकता है, रिट्रेसमेंट अब हो सकता है कल भी यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनेरियो मिल सकता है, या फिर हमें एक दो दिन वेट करना पड़ेगा राइट। तो उसके अकॉर्डिंग है, जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेना, एंट्री दिखे उसके बाद ही लेनी। ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखी, कल ही ग्रीन कैंडल अगर दिखे तो कल ही एंट्री, नहीं तो परसों तक राइट। एंड बाकी सारी चीज़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साइड में प्यारा सा बेल आइकन दिया होगा, ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लो, जिससे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। प्लस कीप ट्रेडिंग, बुक योर प्रॉफिट्स, एंजॉय प्रॉफिट्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।